अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आप सबका। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एड्स टेरा पे आपने सीपीएम कैसे बढ़ाना है और आपने मेन अकाउंट में अर्निंग कैसे करनी है। तो आए चले क्रोम ब्राउजर में चलते हैं डायरेक्ट, और ये मेरे को बिल्कुल फ्रेश बनाया है सब कुछ, ठीक है। देख लें, इसमें कुछ भी नहीं है, सर्विस की सेटिंग वेटिंग ये है वो, इसको भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। ये एडवांस में जाके ऑल टाइम और ये सब जो है ना क्लियर कर दें, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके सामने, क्लियर किया। अच्छा, आप उसके बाद आपने ये टेक्स्टर वीपीएन जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है। वो कैसे करना मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। अब मैं ना इसको पहले करता हूँ रिमूव। ओके, ये रिमूव हो गया। मैं वेब स्टोर में आ जाता हूँ और यहाँ पे आप गूगल पे भी सर्च करते हैं एक्सटेंशन। अच्छा, यहाँ पे आप मैं सर्च कर लेता हूँ टक्सलर वीपीएन, ठीक है। ये सर्च किया, ये आ गया रेजिडेंशियल वीपीएन टक्सलर। इस पर क्लिक करते हैं और इसको ऐड टू क्रोम कर लें। फिर ऐड एक्सटेंशन, इसको होने दे आराम से, ठीक है। अब ये हो गई है। अब यहाँ पे आइकन आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। अब इसको पिन कर लेते हैं। अब उसके बाद आपके आपने क्या करना है, आपके पास ये लेवल 3 वाला आ जाएगा। जब ये आ जाएगा ना, अब ये लोडिंग हो रही है, ये देखिए, ये 3 स्टेप जो है कंप्लीट हो गए, मतलब हमारा वीपीएन लग चुका है। वो कैसे लगे, इसके बाद एक स्किप फ्री ऐप भी करनी होती है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये आ गया ना, इधर ऐसे क्लिक करते जाएंगे ना, अभी फिलहाल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्री ऐप, जिस तरह फ्री वीपीएन लिख के आ जाएगा, उस पर क्लिक करना और वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर उस तरह ये शो ना हो रहा ना, इस तरह अगर ये इस तरह शो ना हो रहा हो, तो उसको इस पर दोबारा क्लिक करना है इस तरह, ठीक है। फ्री में यूज करना है तो इस तरह इसको प्रीमियम बाय कर सकते हैं, लेकिन जो है ना फ्री वाला, तो इसमें आपको तकरीबन 10 वीपीएन की इजाजत होती है। 10 क्लिक अगर करते हैं ना वीपीएन पे सिलेक्ट करने में, तो वो फिर 10 जाया हो जाते हैं, फिर 24 घंटे के बाद वो रिन्यू हो जाते हैं, 10 घंटे लगते हैं, जो भी होता है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, रेजिडेंशियल पर क्लिक कर देना है और कंट्री जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, कनाडा हो गया। उसके बाद इधर आ गया है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के बाद आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं जी, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, उसके बाद आ जाते हैं ये स्विट्जरलैंड हो गया, किधर गया, ठीक है, वो स्विट्जरलैंड का लेना, और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, या स्पेन, इन्हीं कंट्री को आपने टारगेट करना है। मैं ज़्यादातर आपको करूँगा कि आप यूएसए या कनाडा को ज़्यादा जो है ना फोकस दें, उस पर सीपीएम ज़्यादा आता है। अभी कनाडा हो गया और नीचे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, जहाँ पे कनाडा ना शो हो रहा ना उसका ये कोई सिटी या कुछ, ठीक है, इसको इधर से रिफ्रेश करना और ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये करेक्ट हो चुका है, ऊपर से सीए कनाडा शो हो रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, न्यू टैब में आ जाते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है जी आपने चले जाना है क्रोम में और एड्स टेरा ओपन कर लेनी है, ठीक है। एड्स टेरा का जो आपने फेक अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। फेक अकाउंट आपने मेरे अकाउंट में जाना, मोबाइल में, मोबाइल से आपने उसका रेफरल लिंक क्रिएट करना है। रेफरल लिंक कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या आ गया, अपडेट टाइम, यहाँ पे सेट ऑटोमेटिकली टाइम जोन पे क्लिक किया, तो ये हमारा जो इस्लामाबाद कराची वाला जो टाइम जोन लग चुका है, ठीक है। अभी टाइम क्या हो गया, मोबाइल में चेक कर लेता हूँ, 1:55 मोबाइल पे हो गए हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना साइन इन नाउ, ठीक है, ये देखिए 1:56 उधर हो गया, ठीक है। ये देखिए अब ये बिल्कुल सेम टाइमिंग हो गया। अगर इस तरह का इशू आ जाए आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपने टाइम जोन आपको पहले जैसे ही होगा। आप मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये दोबारा एज ए पब्लिशर पे आ जाए, क्योंकि मैंने पहले अकाउंट बनाया है। आपने क्या करना है, मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ कैसे बनाने आपने रेफरल लिंक। आपने मोबाइल से उसके अलग इंटरनेट से जो है ना, जब सेम ही हो जाए कोई इशू नहीं है, यानी कि अगर हॉटस्पॉट दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो एड्स टेरा में जाना है आपने, वहां से उसका रेफरल लिंक बनाना है। रेफरल लिंक लेके व्हाट्सएप के जरिए इधर पेस्ट करना है और यहाँ पे वो लिंक बनाकर इधर जो है ना उस पर नई अकाउंट बनाना है। नई अकाउंट आपने टेम्परेरी मेल उठा लेनी है। यहाँ पे आप टेम मेल सर्च करेंगे ना, ये देखें टेम मेल आ जाएंगी, ये काफ़ी सारी हैं टेम मेल इधर, ठीक है। तो ये टेम मेल इधर से आपने उठा के इधर अकाउंट अकाउंट बना लेना है। ये अभी लोडिंग हो रही है, आई डोंट नो क्यों इतनी लोडिंग हो रही है। चले, ये वाला अकाउंट हो गया एक्टिव। ये किस्म का मेरा रेफरल लिंक अभी तक पड़ा हुआ है और जो मेन अकाउंट है वो मेरा मोबाइल में लॉगिन है, ठीक है। आपने कभी भी अपना मेन अकाउंट पीसी में या लैपटॉप में लॉगिन नहीं करना, क्योंकि ये डिटेक्ट कर लेते हैं फिर आपका मेन अकाउंट बैन हो जाएगा। अब इसको लोडिंग होने दें, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। सो गाइज, अच्छा अब यहाँ पे आप एड्स टेरा के अकाउंट में आ जाना है आपने अपने मोबाइल में, तो वहां से आपने इसको लॉगिन करके ना,
तो प्रोफाइल में आ जाना। प्रोफाइल में आने के बाद आपका इधर होगा ये रेफरेंस में आना आपने, सॉरी रेफरेंस में आ जाना। रेफरेंस में आपने जनरेट डायरेक्ट लिंक करना है, और आपको जो होगा ना रेफरल वाला अकाउंट, वहाँ पे आपने अर्निंग सीपीसी जाए से बढ़ाना है तो ज़्यादा काम करना है, तो वहाँ से आपको 5% मिलेगा। आपने उधर $100 बनाया, इधर आपको उसको 5% यानी कि $5 मिल जाने। अगर आप फर्ज करते हैं $20 बनाते हैं, $20 में से आपको मिलेंगे $1, ठीक है। और अगर वैसे अगर ओरिजिनल तरीके से करते हैं, यानी कि ना आप वेबसाइट लगाते हैं या फिर आप फेसबुक अपने फ्रेंड्स से करवाते हैं, लॉग इन करो देखो एडसेट देखो, तो उसमें पाकिस्तान के सीपी से तकरीबन 2 सेंट 3 सेंट आते हैं मुश्किल से, या मैक्सिमम मैक्सिमम $1 भी आ जाए तो आ जाए, ठीक है। और यहाँ से आप देखें आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपने ये कॉपी कर लेना और अपना जहाँ के वहाँ पे पेस्ट करके, जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बताया कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लिंक पेस्ट करके वहाँ पे आपने टेम्परेरी मेल उठा लेनी है और उसी से आपने फर्जी अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अभी अकाउंट मेरा लॉग इन हो गया, अब यहाँ पे ना मैंने अकाउंट बना के ना रखे हुए, मैं इधर आ जाता हूँ और एड सीरा अकाउंट, और ये देखिए ये 17 ओपन था ना, इधर चेक कर लेते हैं, यहाँ ये 17 ओपन है, तो इसी के मैं ना ये एक लिंक उठा लेता हूँ 17 वाला, ये कॉपी, ठीक हो। और यहाँ मैं स्टैट में आ जाता हूँ, स्टैट्स में हाँ इसका डायरेक्ट लिंक क्रिएट करके ना यहाँ से इसके लिंक उठा के वहाँ पे किसी सेव कर लेना, आपने ज़्यादातर अकाउंट बना ले क्योंकि ये बैन हो जाते हैं बाद में, काम ही ऐसा है ना। अच्छा अब ये फिर से लोडिंग ले रहा है। अच्छा गाइस ये लोडिंग होती रहेगी तो मैं ना आपको बता दूँ वर्क कैसे करना आपने आगे। अच्छा आपने नई एक क्रोम बना लेनी है, ठीक है। इधर आपने वीपीएन जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दी कि वीपीएन कैसे सेट करना है, ठीक है ये सेट हो गया। अब वो लिंक हमने इधर से कॉपी कर लेना अपना, यहाँ पे आपने सामने जो ना अपनी शीट में या अपनी पेंसिल कॉपी में जो भी है ना लिख लेना है, तो यहाँ से बनाकर और जो है ना आपने इधर पेस्ट कर देना, ठीक है अभी ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई और वीपीएन यूज करते हैं, ठीक है प्रीमियम नहीं है ये, एक किस्म का प्रीमियम, लेकिन इसका जो फ्री वर्जन है ना जो हमें 10 देते हैं ये वीपीएन, ये हमें देते हैं फ्री वाले। अच्छा आप ये देखिए अब ये इसमें दूसरे ऐड शो हो गए हैं, ये गंदे वाले ऐड, ठीक है। अगर ये मैं अगर यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ना तो वहाँ पे फिर मुझे रिस्ट्रिक्शन आ जानी है। मैं ऐसा करता हूँ आपको ना इधर से नया लिंक जनरेट करके, तो वो मैं बताता हूँ आपको एक सेकेंड, ये जो है ना क्रिएट, इधर मैं क्रिएट न्यू लिंक करता हूँ, इधर नॉन एडल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर लगे रहने दो, इसको ऐड कर लेते हैं, ये 3 पहले बने, ये चौथा लिंक आ जाएगा हमारा, इसको छेड़े ये तो बहुत टाइम लगा रहा। अच्छा ये जो दूसरे वाला लिंक है ना इधर एडिट पे मैं जाके देख लेता हूँ, ये नॉन एडल्ट वाला बना हुआ, ठीक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों ये वेबसाइट से चल ही नहीं रही, इसको इधर आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है अब ये ओपन हो रहा है, ये रीडायरेक्ट इधर से जो अब ये एक पेज खुल गया है, इसको इधर अलाउ करना है, ये देखिए अलाउ का ऑप्शन आ गया, इसको अलाउ कर देना सिंपल। अब एक जो भी वेबसाइट आगे शो हो उसको अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो टेम्परेरी मेरे से अकाउंट क्रिएट कर दें, नहीं तो जो है ना विजिट वाली आती है या कोई भी आता है उसको थोड़ा सा विजिट करें और फिर नया लिंक पेस्ट करके उस पर बार बार करते रहें, ठीक है। मैं इधर से देखिए मैं इसलिए करके बता रहा हूँ आपको फुल डिटेल से, ऐसा कोई भी नहीं डिटेल से फुल बताता, ठीक है। अब काम ये है कि आपने फिर काम करना है, फिर आप देखें अब बुल के हालात कैसे हैं, ये देखिए अब ये ओपन हो रही है, ये आपने खुद के लिए करना है, डॉलर लेके आए पाकिस्तान में, कुछ मुल्क की करेंसी में भी कुछ आए हिसाब किताब बढ़े और कुछ अपना खर्चा शर्चा भी निकालो भाई, कब तक फ्री में दूसरों के ऐड देखते रहोगे और 10-20 रुपए डेली का बनाओगे। अच्छा ये अब एक यानी कि लिंक ओपन हो गया, ठीक है अब मैं ऐसे करता हूँ वही लिंक दोबारा पेस्ट कर देता हूँ इसी तरह, ठीक है। अब ये एक मेरा इंप्रेशन काउंट हो चुका है, अब ये नया ओपन हो रहा है, देखिए ओके आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई छुपाया नहीं है मैंने, कुछ अलग से नहीं किया कुछ भी, बस नेट। अच्छा ये वीपीएन से ना थोड़ा वैसे भी नेट स्लो चलता है, अगर आप प्रीमियम बाय कर लेते हैं ना इसका तो फिर तो आप सारा दिन लगे रहे बेशक, दिन के $10 निकालें 20 निकालें, और $10-20 थोड़े नहीं होते पाकिस्तान में, 4 से 5 हज़ार रुपया होता है, और अगर ये इसको मंथली ले जाएं तो लाखों से काम ज़्यादा ऊपर चला जाता है। अगर घर बैठ के बस कंप्यूटर पे यही काम करते रहो और लाखों मिल जाए तो फिर क्या नुकसान तो नहीं है ना बाहर जाके धक्के लेने का। अब मैं फिर एक लिंक पेश कर देता हूँ, ठीक है अब ये लिंक पे मैं इधर और भी कर लेता हूँ, ये जरूरी नहीं कि एक ही टाइम में करते रहो, आप दूसरों में भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो क्लिक अलाउ वाला आ गया, अलाउ करो इसको भी, इसको भी अलाउ कर देते हैं। अब इसमें ये वाली ओपन हो गई, इसमें क्लिक कर देता हूँ, कुछ आगे ओपन हो ना हो
थोड़ा सा वेट कर लो, फिर अगेन वही लिंक पेस्ट कर दो। ये मैक कैफे वाली आ गई है, इसको ओपन होने दो। इधर भी इसको स्कैन पे क्लिक करो, ये थोड़ा सा आगे प्रोसेसिंग लेगी। ठीक है, इस पर भी अलाउ कर देते हैं। वीडियो बेशक लंबी हो जाए लेकिन आपने काम तरीके से करना है, आपने सीखना है, आपने अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, इस पर प्रोसीज पे क्लिक कर देता हूँ कि उधर अपडेट हो गई होंगी मेरे अकाउंट में। तो इधर ये देख लें यहाँ पे कितने डॉलर शो हो रहे हैं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए ये बढ़ गए हैं। ठीक है, ये अभी आई थिंक सीपीएम स्लो हो रहा है और अभी अपडेट हो रहे हैं, ये जो मैंने अभी किया वर्क। ये अभी स्टार्ट में जाके ना सब कुछ आपको दिखाता हूँ कि कितने इंप्रेशन आए और कितने डॉलर बने। कभी कभी तो एक इंप्रेशन के 1 डॉलर भी मिल जाता है। ठीक है, अब ये देखिए आज देखिए 16 तारीख है, ये देखिए 16 तारीख के 15 इंप्रेशन आ गए और 3 डॉलर का सीपीएम आ रहा है। ये बहुत कम सीपीएम है। ठीक है, आपने ये अभी फिलहाल सीपीएम ऊपर नीचे होता रहता है, ये अभी 100 में जाएगा, सैकड़ों में जाएगा ये सीपीएम, हजारों में भी चला जाता है। और आपने इसी तरह वर्क करना है बाकी सारा। अभी तो पता नहीं क्यों क्या वजह है इतना कम सीपीएम आ रहा है। आपने इस तरह करना है, कैनेडा, यूएसए, जर्मनी, न्यूजीलैंड वगैरह को टारगेट करना और उन्हीं से भी जो है ना ये वर्क करना। और आप दिन में अगर जिस तरह आप एक जॉब करते हैं, ठीक है, वैसे भी घर में अगर फ्री है, ये पार्ट टाइम करना चाहते हो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे दें, इधर से 100 से 150 डॉलर बनाओ, मेन अकाउंट आपके 6 से 7 डॉलर या 10 डॉलर आपके जैसे जाएंगे। अब इधर से काउंट कर लें कि 10 डॉलर 2 PKR ये आ गया, ऑलमोस्ट तकरीबन 3,000 की आपकी जो है ना इनकम बन जाती है। अगर 3,000 को मल्टीप्लाई करें मंथ में 10 दिन में, 10 दिन में 30,000, और तकरीबन ऑलमोस्ट 90,000, 80-90,000 आपका मंथली निकल आता है। अगर आप उसमें से इंटरनेट और बिजली का निकाल लें तकरीबन 10,000, तो आपके तकरीबन 70,000 आपकी जेब में आ जाएगा, और वो भी घर बैठ के एक थोड़ा सा काम करके 4-5 घंटे। ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो फिर भी इतनी इनकम आपको नहीं मिलेगी, काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो की समझ आ गई और काम को भी समझ आ गई होगी, और आई होप आप इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे। दुआ में रखना याद। अल्लाह।